थे। उच्च माध्यमिक हिंदी प्रश्न पत्र 2018 में आपका स्वागत है। यहाँ मैं इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स जो दिया हुआ है इसका हिंदी में बता दे रहा हूँ। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश, पहला, संक्षिप्त तथा बिंदुवार सटीक उत्तर के लिए विशेष अंक दिया जाएगा। दूसरा, वर्तनी अशुद्धि, अव्यवस्थित तथा खराब लिखावट के मामले में अंक काटा जाएगा। तीसरा, उपांत के अंक पूर्णांक के द्योतक हैं। ठीक है, अब प्रश्न पार्ट ए 50 मार्क्स का है। पहला प्रश्न, निर्देश, प्रत्येक खंड के प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखिए। किसी एक खंड के दोनों प्रश्नों का उत्तर लिखना अनिवार्य है। खंड का 5×10। पहला, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी भाग एक में निहित लेखक की काव्य संबंधी अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। दूसरा, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य। खंड ख, पहला, नशा, कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। दूसरा, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। जो दूसरे किसी को नीचा दिखाना चाहता है वह पहले आप ही नीचा देखता है। अब दूसरा पेज में दूसरा निर्देश, प्रत्येक खंड के प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखिए। किसी एक खंड के दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखना अनिवार्य है। खंड का 5×10। पहला, पठित पद के आधार पर तुलसीदास के मित्रता संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। दूसरा, संदर्भ आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाही। खंड ख, 5×10। पहला, समय के ढेर पर कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। दूसरा, संदर्भ आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। अब तीसरा निर्देश, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में हो। 5×10। पहला, भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्यिक योगदान पर प्रकाश डालिए। दूसरा, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तीसरा, प्रगतिवादी साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियों की चर्चा कीजिए। चौथा, नागार्जुन का वास्तविक नाम बताते हुए उनके योगदान पर प्रकाश डालिए। अब तीसरा पेज निर्देश, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 300 शब्दों में। पहला, 10 नंबर का है, फुटबॉल की लोकप्रियता पर रिपोर्टाज लिखिए। दूसरा, इंटरनेट के अत्यधिक प्रयोग का बच्चों पर दुष्प्रभाव पर अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए। तीसरा, महानगर में फैलती हुई बीमारियों
की विभीषिका पर स्वास्थ्य मंत्री को एक आवेदन पत्र लिखिए। पांच का क, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए, कोई दो। पहला, दुरंत जीवन शक्ति है। दूसरा, मैंने प्रार्थना के स्वर से कहा। तीसरा, पहले कुंवर साहब के पांव दबा। ख, निम्नलिखित वाक्यों को यथा निर्देश बदलकर लिखिए, कोई दो। पहला, मेरा लड़का चिराग दिन तुम लोगों का दर्जी था, संयुक्त वाक्य में। दूसरा, वास्तविक प्रेम करने का आत्मबल उनमें बिल्कुल नहीं है, मिश्र वाक्य में। तीसरा, मैं उठा और दो तीन तमाचे और जड़ दिया, सरल वाक्य में। ग, यथा निर्देश उत्तर दीजिए। पहला, संधि विच्छेद कीजिए, कोई दो। दुर्जन उल्लास देशोद्धार। दूसरा, समास विग्रह कीजिए, कोई दो। राजदरबार त्रिभुवन देश हितेशी। अब अगला पेज में, उपसर्ग तथा मूल शब्द पृथक कीजिए, कोई दो। कमबख्त अपराजयी बेकद्रदानी। चौथा, प्रत्येक पृथक कर मूल शब्द लिखिए, कोई दो। परिचित इंसानियत लड़कपन। पांचवा, निम्नलिखित वाक्यों में से कोई दो कारक चुनिए। यशराज बीच में बोले, बी, सुख और दुख तो मन के विकल्प हैं। सी, अब सुंदर देवी अपने घर की मालकिन हुई है। चौथा और आखिरी, किन्हीं दो मुहावरों के अर्थ लिखिए। हम पैर मारना, हाथ पैर मारना, कान देना, मुट्ठी गरम करना। और इसी के साथ 2018 का हिंदी प्रश्न पत्र पूरा हुआ। धन्यवाद।